मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सहपुरा विकास खंड के अंतर्गत कुल 69 ग्राम पंचायत हैं और इन पंचायत के सभी सचिव और रोजगार सहायक 23 फरवरी 2016 से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी पंचायत कार्यालयों में ताला बंद है और पंचायत में चल रहे कार्य जैसे खेत सड़क, मेड़ बांध, बोल्डर बांध, कुआं निर्माण आदि अन्य कार्य बंद पड़े हुए हैं और इनमें जो मजदूर काम किए हैं उनका भुगतान भी बाकी है। आए दिन गांव की जनता सरपंच से सवाल जवाब करते हैं। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूं कि जो रोजगार सहायक सचिव हैं और सचिव हैं वो अपने मांगे हैं पूरी करके लौटें वापसी, यथावत पंचायतों में काम करें या तो फिर उनकी मांग पूरी ना हो तो हड़ताल वो करते रहें, लेकिन ग्राम पंचायतों में कार्य में अवरोध पैदा ना होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जो एक महीना से करीबन हमारी पंचायतों में अभी पेमेंट नहीं हुआ है और सवाल जवाब पब्लिक हमें रोज आके करते हैं कि ये पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ये पेंडिंग वाला काम है और मैट लोग डिमांड देते हैं लेकिन रोजगार सहायक डिमांड नहीं देते। सहपुरा विकास खंड में अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल के कारण पंचायतों के काम बंद पड़े हुए थे। इस मुद्दे पर मैंने एक समस्या वीडियो बनाया था। आइए जानते हैं कि सरपंच संघ के लोगों के द्वारा बदलाव के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। जी, इसके लिए मैं, मेरा कुआं अधूरा था, इसके लिए मैं वीडियो बनवाया था और सचिवों का हड़ताल चल रहा था तो काम भी बंद थे मेरे जो तीन चार साल से, तो फिर इसके लिए सरपंच से बोली मैं तो फिर वीडियो बनवाया तो हमारा जो अधूरा काम था वो कुछ परिवर्तन हुआ, काम चल रहा। हम सभी सरपंच संघ की एक मीटिंग रखी जनपद स्तर पे और वहाँ सब सरपंच संघ के जुड़े और एक मतलब आवेदन बनाए, प्रस्ताव पास किए और प्रस्ताव पास करने के बाद हम जनपद पंचायत सहपुरा के सीईओ को ज्ञापन सौंपे और इसके बाद में हम पूरे जिला के साथ ब्लॉक के जिला स्तर में मीटिंग किए और सब सरपंच संघ के वहाँ निर्णय लिए और जाके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। इसके बाद में फिर सचिव और रोजगार वापस आए और अपने सुचारू रूप से अपना काम करने लगे पंचायत। मैं सरोज परस्ते, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।